हेलो दोस्तों, आज हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से कपड़े धोते हैं सो वॉशिंग मशीन में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें। देख सकते हैं दोस्तों कि वॉशिंग मशीन को जगह पर सेट कर चुके हैं और अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। तो नल यहां पर वन करते हैं, नल यहाँ वन हो गया। अब देखिए दोस्तों कि पानी अंदर आने लगा है, पानी अब भर जाएगा तो मतलब आगे का कार्यक्रम करेंगे दोस्तों। अब देखिए कपड़ा इतना आ चुका है, कपड़ा जो है तो इतना कपड़ा धोना है दोस्तों, हो चुका है। अब इसमें अंदर में डिटर्जेंट डालेंगे। तो देखिए सरफ जो है सो मेरा यहाँ पड़ा हुआ है और सरफ इसमें डालते हैं। तो देखिए दोस्तों सरफ यहाँ पर हम डाल चुके हैं। देखिए कपड़े के अनुसार पानी दिया जाता है दोस्तों और सरफ भी कपड़े के अनुसार दिया जाता है। तो देखिए सरफ हम लोग डाल चुके हैं। अब मशीन को थोड़ा सा सरफ मिलाने के लिए हल्का सा चालू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्विच दिए और हल्का सा चालू करके इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए मिक्स हो रहा है सरफ। मिक्स हो चुका है दोस्तों, आप कपड़े अंदर इसमें डालूंगा। सर थोड़ा और डालें सर फाइल। तो दोस्तों सरफ हो चुका है, अब कपड़े इसके अंदर में डालूंगा। तो कपड़ा ये रहा। तो देखिए दोस्तों कपड़ा जो है तो अब मशीन के अंदर में मतलब डाल रहे हैं। देखिए ये बिछौना भी है, बिछौना भी डाल दे रहे हैं इसके अंदर। सारा कपड़ा डाल देंगे। देखिए दोस्तों कपड़ा वो हो चुका है। और कपड़ा है क्या? नहीं, अभी और कपड़ा नहीं है दोस्तों, इतना कपड़ा है। जब तक इतना धो लेते हैं। तो कपड़ा डाल चुके हैं, अब मशीन को चालू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये जो है मशीन का मतलब टाइमिंग है। टाइमिंग जो है तो अगर 35 पर रखेंगे तो अच्छा तरीके से धोया जाता है और 15 पर रखेंगे तो उतना साफ नहीं करता है, लेकिन इसीलिए 35 पर रखना जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग इसको 35 पर कर देते हैं। आज इसको जो है दोस्तों इसको दोस्तों ये नॉर्मल में रखेंगे तो कपड़ा अच्छा तरीके से साफ नहीं करता, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग में कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में रहेगा तो कपड़ा मतलब अच्छा तरीके से साफ करेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए मशीन मेरा घूमने लगा है और कपड़ा धुला रहा है। तो देखिए दोस्तों दिख रहा होगा आपको, 35 मिनट जब होगा यहाँ क्यों का आवाज़ आएगा दोस्तों और कपड़ा धो जाएगा। तो इसको मतलब झपने मतलब झाप देते हैं, इसका जो ढक्कन है तो झाप देते हैं दोस्तों, इसको ढक्कन लगा देते हैं। थोड़ा सा है हिंदी में प्रॉब्लम, इसीलिए आप लोग घबराए ना, लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। ठीक है कपड़ा मैनेज कर लेगा, पानी ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं 35 मिनट के बाद और देखते हैं इसके बाद इसमें मतलब कपड़ा को सुखाएंगे कैसे, वो दिखाएंगे 35 मिनट के बाद। तो वीडियो में बने रहें, अभी इसको मतलब ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लगभग में हो चुका है, कपड़ा धुआ चुका है। तो देखिए अभी लास्ट पहुंच गया है, अब लास्ट में थोड़ा सा यहाँ टू टू का आवाज़ आएगा, मतलब कपड़ा धुला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी टू टू का आवाज़ आएगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देखिए दोस्तों कपड़ा किस तरह से घूम रहा है, सो आप देख रहे होंगे। देखिए कितना गंदा हो चुका है पानी, अब मतलब लगभग में पहुंच चुका है और कपड़ा लगभग में हो चुका है, धोआ चुका है पूरा तरह से।
पूरा पानी गंदा गंदा हो गया। देखिए दोस्तों टूटू का आवाज आने लगा, मतलब कि कपड़ा पूरा तरह से धुआ चुका है। अरे टूटू अपने मतलब बंद हो जाएगा, ये रिंगटोन है, मतलब आदमी यहाँ नहीं रहने के बाद उसको पता चल जाए कि मतलब कपड़ा धुआ चुका है। तो दोस्तों ये कपड़ा धुआ चुका है, अब इसको हम लोग सुखाएंगे। तो सुखाने वाला काम आप करेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए टूटू करना बंद हो गया, मतलब कि कपड़ा अभी धुआ चुका है। अब हम लोग इसको मतलब सुखाने का काम करते हैं। तो सुखाने के लिए देखिए दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब कपड़ा जो है इससे निकाल के देखिए दोस्तों, अरे बहुत तरह से जाम हो गया कपड़ा, मतलब गोल गोल कर देता है पूरा तरह से। तो इसमें जैसे कि कपड़ा ये निकाल के और इसमें डालना है, ये जींस भी है, देखिए दोस्तों जींस भी डाल देता हूँ मैं। वो छोटा छोटा कपड़ा है एक बार में डाल देता हूँ। ये देखिए गमछी है, इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बिछौना है, बिछौना भी डाल दिए। अब इसमें कपड़ा डाल दिए हैं। अब ये जो ढक्कन है दोस्तों, ये ढक्कन को इसके अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि नहीं डालेंगे तो कपड़ा जिस समय घूमता है वो बाहर आ जाएगा, तो मशीन में फंस जाएगा, इसलिए खराब भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखें, अगर मशीन होगा तो इसको डालना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब ये पानी है, जो पानी वाला कनेक्शन इसमें करते हैं तब मतलब आगे बढ़ेगा इसका कार। तो पानी यहाँ पर हम लोग नल से खोलते हैं दोस्तों, खोल दिए। अब देखिए इधर छोटा, देखो पानी इधर आने लगा है। अब इसका हम लोग टाइमिंग देते हैं, इसको मतलब ढकना पड़ेगा, तब इसमें सेंसर लगा हुआ है दोस्तों, इसको जब तक ढकेंगे नहीं तब तक मतलब ये चालू भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको ढक दिए हैं। अब इसका जो टाइमिंग है हम लोग दे देते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट में मतलब धोआ जाएगा और सूख भी जाएगा। तो देखिए दोस्तों मशीन चालू हो चुका है और कपड़ा धुलाना चालू हो चुका है। इसमें धोआएगा मतलब, देखिए दोस्तों ये जो धुआ रहा है वो पानी इधर से निकल रहा है, वो गंदा गंदा सा दिख रहा होगा कि पानी बहुत गंदा निकलता है, मतलब ये सफाई का होता है। देखिए दोस्तों 5 मिनट से शुरू किए थे, अब 3 मिनट हो चुका है, अब जो 2 मिनट हो चुका है दोस्तों, अब 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में धुआ जाएगा पूरा तरह से। तो देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों अब लगभग मैं आ चुका है, अब मतलब टूटू का आवाज़ आएगा और मतलब ये कपड़ा थोड़ा सूख जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी पानी भी जा रहा है इसके अंदर, मतलब और पानी इधर से निकल रहा है। देखिए पानी जो है सो साफ निकलने लगा है। कर दिया है, बंद हो गया पानी, मैंने कनेक्शन इसका बंद कर दे रहा हूँ, और पानी के कनेक्शन बंद कर दिए हैं। अभी कपड़ा जो है सो धुआ चुका है पूरा तरह से, आपको दिखाते हैं। अब ये मशीन बंद हो जाएगा तो मतलब इसके अंदर से कपड़ा निकालेंगे। तो मशीन अब बंद हो चुका है दोस्तों, अब निकालते हैं इसके अंदर से। तो देखिए इसको निकालना पड़ेगा, ये निकाल लिए। अब देखिए दोस्तों ये कपड़ा है, देखिए इस तरह से सूख गया है पूरा तरह से। देखिए दोस्तों खंगाल के मतलब पूरा तरह से सूख गया है, इतना साफ हो चुका है, लगभग पूरा साफ हो चुका है दोस्तों। देखिए ये बिछौना लगता है कि इसमें पानी ही नहीं है, इसमें पूरा मतलब बिछौना जो है सो पूरा तरह से सूख गया है। लाओ एक ये थी लाओ, इसमें रखेंगे कपड़ा, इसको थोड़ा सा धोओ तो पानी लगा के छोड़ना अपना कपड़ा। दोस्तों देखिए ये कपड़ा अब इसमें रखता हूँ, जो सूख गया है सो तो इसमें रख देता हूँ। देखिए ये मेरा गमछी है, गमछी भी पूरा तरह से सूख गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों अब इसमें रख देता हूँ पूरा तरह से। ये जींस देखिए दोस्तों पूरा सूख गया, सिर्फ इसमें हवा लगाएंगे और मतलब काम हो जाएगा। इसमें सिर्फ हवा लगाने का काम है। ओ मेरा शर्ट का तो पता नहीं, शर्ट तो पूरा पूरा इसमें लगता है पानी ही नहीं है, इसमें कुछ लगता है, पहन भी सकते हैं अभी तुरंत, जस्ट तुरंत पहन सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब कपड़ा मेरा पूरा तरह से सूख चुका है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो के लिए मतलब चैनल पर बने रहें दोस्तों। लव यू ऑल।